माई नेम इज़ अनुष्का झा एंड आई एम स्टैंडिंग हियर टू से माई टॉपिक इज टिश्यू. वॉट इज टिश्यू? ओके ओके सो दिस इज डेफिनेशंस ऑफ टिश्यू. टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल्स जो पार्टिकुलर परफॉर्म करता है, ठीक है, पार्टिकुलर फंक्शन में परफॉर्म करता है, वो होता है हमारा टिश्यू. सबसे पहले तो हम लोग टिश्यू के बारे में जानते हैं कि टिश्यू जो है वो डिस्कवर किसने किया था, ठीक है. टिश्यू जो डिस्कवर था, ओके सो जो टिश्यू का जो डिस्कवर था वो एक्साइवर बाइसेक्ट ने किया था 1801 में, ठीक है. 1801 में इन्होंने डिस्कवर किया था टिश्यू का. ओके स्टडी ऑफ टिश्यू जो है वो हिस्टोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है. स्टडी ऑफ टिश्यू जो है वो हिस्टोलॉजी को कहा जाता है. सबसे पहले तो हम लोग टिश्यू जाने से पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि सेल किसे कहते हैं, क्योंकि जो जिसको सेल अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको टिश्यू भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं. ओके तो हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बायो का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल को कहा जाता है. सेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो हमारा ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होता, और अगर ऑर्गेनिज्म अगर हम लोगों का तैयार नहीं होता तो हम लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर कभी तैयार ही नहीं होता. तो सेल तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल को कहा जाता है. ओके तो ये तो हमारा सेल हो गया. सेल ही से ग्रुप ऑफ सेल ही मिलके हमारा बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ही मिलके हमारा बनता है ऑर्गेन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो टिश्यू का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में. अब हम लोग टिश्यू देख लिए, अब टिश्यू के टाइप्स को भी देख लेते हैं कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं. ओके ओके तो टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू, ठीक है. प्लांट टिश्यू में प्लांट टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टिश्यू को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू. सबसे पहले तो हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू को जानते हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता क्या है. मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो लाइफ सेल होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ठीक है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू का. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइडिंग करते रहता है, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा मेरिस्टमेटिक टिश्यू. मेरिस्टमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ओके सो मेरिस्टमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है. इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है. ये जो एपिकल मेरिस्टम जो है ये हमेशा यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये ग्रोइंग पार्ट जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट होता है ट्रिप का वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. और जब ये होता है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का होता है, क्योंकि ये अभी मतलब न्यू होता ही है, ठीक है. तो ये बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है. और सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये जो होता है ये स्टीम में होता है और ये नोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक. लेटरल मेरिस्टम जो है वो रूट और स्टीम के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है. ये तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हो गया. अगर हम परमानेंट टिश्यू का अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी ना तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है. पैरेन्काइमा जो होता है ये लूजली पैक्ड होता है, लाइफ सेल होता है और लूजली पैक्ड होता है. पैरेन्काइमा जो होता है ये फूड को स्टोरेज ऑफ फूड में हम लोगों का पैरेन्काइमा आता है, ठीक है. एंड ऑन द टू बेसिस ऑफ पैरेन्काइमा,
फर्स्ट होता है क्लोरेनकाइमा, सेकंड होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इट पेरेनकाइमा कंटेन क्लोरोफिल इन प्लांट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है, इट पेरेनकाइमा कंटेन एयर इन प्लांट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। अगर कोई भी पेड़ है अगर वो नदी में गिरता है तो वो पेड़ क्यों नहीं डूबता है, वो पेड़ इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि उसमें ना एरेनकाइमा होता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है इट इज अ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और जाइलम जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम जो होता है ये इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और ये जो होता है इट इज ट्रांसपोर्टेशन टू फूड। ओके, जाइलम जो होता है वो मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो होता है ये ना फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग एनिमल टिश्यू को देखते हैं। एनिमल टिश्यू को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो इपिथिकल टिश्यू जो है, ठीक है, इसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्क्वायमस, सेटिस्फाई एंड कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। ठीक है, उसके बाद अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एलॉर एडिपोज ठीक है, वस्कुलर टिश्यू को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग RBC कहते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं, जो कलरलेस होता है वो आपको व्हाइट ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसके कारण ये जो ब्लड है रेड ब्लड सेल वो रेड दिखता है। ठीक है, चलो हम लोग मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टेरॉइड, अनस्टेरॉइड एंड कार्डिक। स्टेरॉइड जो होता है इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये इसका जो अगर हम लोकेशंस की अगर हम बात करते, ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये प्रेजेंट होता है आर्म्स एंड लिम्स में। अगर हम अनसेचुरेटेड की अगर हम बात करते तो अनसेचुरेटेड जो होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। ठीक है, और वो जो प्रेजेंट होता है ना, वो प्रेजेंट होता है आइज में और ब्लड प्रेशर में। और कार्डिक मसल जो होता है ना, इट इज ब्रांचेस एंड ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये प्रेजेंट होता है आपके हार्ट वॉल में। थैंक यू।